नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस तरह से एक सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। थप्पड़ कांड का ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के टाइम पर दिल्ली में धरने पर बैठी महिलाओं पर कहा था कि ये लोग 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं। कंगना के इसी बयान को लेकर सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया। कुलविंदर कौर का कहना है कि उनकी मां भी धरने पर बैठी थी, जिस पर कंगना ने ऐसा बयान दिया है। अब इस थप्पड़ कांड को लेकर लोग दो धड़ों में बंट चुके हैं, जहाँ कुछ लोग कुलविंदर कौर का सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग कंगना रनौत के समर्थन में उतर आए हैं। कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस तरह से थप्पड़ जड़ा गया है, उसकी वजह से कुछ लोग कुलविंदर सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि वर्दी में होके गलत तरीके अपनाएं, इससे आजीवन सस्पेंड करना चाहिए, इसका मतलब टुकड़े गैंग से मिली हुई है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, इस अनुशासनहीन सीआरपीएफ महिला जवान को तुरंत नौकरी से निकालकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे अर्धसैनिक बल ड्यूटी के दौरान अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं, ऐसे में वो अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, दीदी तुमने रास्ते सुरक्षा के लिए शपथ लिया, ना कि केवल परिवार के लिए, और जब इतना ही प्यार प्रोटेस्ट करने वालों से है तो ये वर्दी क्यों पहनी है। अब जिस तरह से लोग कुलविंदर कौर को ट्रोल कर रहे हैं, उस पर पहलवान बजरंग पुनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना के थप्पड़ कांड पर बजरंग पुनिया ने सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर के समर्थन में वो तराए हैं। बजरंग पुनिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था, तब कहां थे नैतिकताएं पढ़ने वाले लोग। अब उस किसान माँ की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। सरकारी जुल्म से किसान मारे गए, उस समय यह शांति पाठ पढ़ाना था हुकूमत को। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती हैं जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। अब जिस तरह से बजरंग पुनिया ने कुलविंदर कौर का समर्थन कर कंगना और मोदी सरकार पर निशाना साधा है, तो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने बजरंग पुनिया को भी जमकर लताड़ा है। एक यूजर ने लिखा, ये बात आपको भी पता है कि किसानों के बीच में बहुत सारे लोग पैसे लेकर बैठे थे। मैं किसानों के साथ हूं और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, मगर देश के टुकड़े गैंग करने की सोच रखने वालों के साथ नहीं, जो चंद पैसों के लिए बिक जाएं। बजरंग भाई, आप खेल पर ध्यान दो, राजनीति पर नहीं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बजरंग तुमसे इससे बेहतर की उम्मीद भी नहीं थी, और हाँ, पहलवान हो उसमें ही तरक्की करो, दिमाग वाली बातें शोभा नहीं देती। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, अच्छा आदमी समझता था आपको, लेकिन आप तो, अब क्या ही कहूँ, सुरक्षा बलों में अराजकता और अलगाववाद को बढ़ावा देना बंद करो। वहीं एक और यूजर ने लिखा, लो जी एक और चमचा निकला, ये ड्रग लेकर पहलवानों की छवि खराब करने वाले चमचे का ज्ञान किसको चाहिए। तो देखा आपने लोग किस कदर बजरंग पुनिया की फटकार लगा रहे हैं। बता दी कि वही बजरंग पुनिया हैं जिन्होंने महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था, साथ ही वो किसान आंदोलन के दौरान भी नजर आए थे। उन्होंने खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया था। बताते चले कि बीजेपी की मंडी सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत दिल्ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो कुलविंदर कौर ने उनके साथ पहले गाली गलौज की और फिर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि अब इस महिला को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कंगना रनौत ने भी उनके साथ इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको ये वीडियो। चंडीगढ़ में जिस तरह से कंगना रनौत के साथ हुआ, एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा उनको, सीएसआई तब कुछ लोग होट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है, मैं देखूंगा और बात करूंगा। किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100-100 रुपए में किसान वहां बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा, वहां मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्टेटमेंट। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए, भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी, तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया भारत माता का अपमान किया, मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए,
लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था। क्या गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है। वो सांसद इट इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो है, बट किसी के साथ भी इस तरीके की जो है वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहां पे आप CISF के सुरक्षा घेरे में होते हैं और वहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी वहां पे आम नागरिक भी जाए, कोई VIP जाए, उनकी सुरक्षा करना, वहां पे पीस इंश्योर करना वो उनका दायित्व है। अगर वो ही इस तरीके के कार्य करने लग जाएंगे तो उससे क्या मैसेज हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके ग्रीवेंसेज है वो एक अलग बात है, उसको सही प्लेटफॉर्म पर उठाना उनका अधिकार है, मगर इस तरीके से असॉल्ट करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है जो भी हुआ है, और चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पे जहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा कर्मी ही इस प्रकार से व्यवहार करें, मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट। और हमने कहा कि उसमें कार्यवाही होनी चाहिए और मुझे जानकारी मिली है कि उनको सस्पेंड किया कर दिया है और बाकी आगामी कार्यवाही उसमें होनी है इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सारी चीज़।